जो डस गई उसको न कुछ कहा न सुना, चल दिया खामोशी से, चल दिया खामोशी से। हम ही में कोई कमी थी जो डस गई उसको, न कुछ कहा न सुना, चल दिया खामोशी से। तो दोस्तों से, सर ये गजल मेरी पहली गजल है, पहली बार पढ़ रहा हूं। दोस्तों से गिला क्या करे, मोहतरमा परवीन रंगीली साहिबा से सांप के ताल्लुक से शेर सुने थे। अब वो सांप कहाँ है और किधर कैसे यही मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मेरे है। सर ये देखिएगा, धर्म जो तुम्हारा है धर्म वो हमारा है, धर्म जो तुम्हारा है धर्म वो हमारा है, धर्म जो तुम्हारा है धर्म जो हमारा है। धर्म सबको मार प्यार, धर्म सबको प्यारा है, बस भरम ने मारा है। दोस्तों से गिला क्या करे, दोस्तों से गिला क्या करे। धर्म जो तुम्हारा है धर्म जो हमारा है, धर्म सबको प्यारा है, बस भरम ने मारा है। परवीन साहिबा जी, सांप के बारे में आप बहुत बोल रहे थे, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं। ये बात आपको शायद मालूम नहीं कि उसमें कुछ सांप भी थे भीड़ में इंसानों के, उसमें कुछ सांप भी थे भीड़ में इंसानों की। हाँ, भेद खुल जाता अगर बीन बजाई होती।
भाई मैं बता दूं आपको कि ये बहुत मेरी चहेती लेडीज है, ये गाने बजाने में मैं ये लेडीज को बहुत बहुत इज्जत देता हूँ, इसलिए कि बहुत सीनियर मोस्ट फनकारा है अजीज नाजा, जानी बाबू, यूसुफ आजाद, ऐसे लोगों के साथ, और उसके बाद मैं इनको महंगा पढ़ता हूँ, बाकी कोई नहीं पढ़ता। दुश्मनों से गिला क्या करे, दुश्मनों से गिला क्या करे। पर ये गजल मैंने खुद लिखी है, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, शायर भी हूँ, और एक म्यूजिशियन के संगीत के नाते संगीतकार भी हूँ मैं खुद, और कंपोजर भी हूँ सर मैं किसी की कंपोजिशन, अपनी खुद की कंपोजिशन गाता हूँ। ये चारों पांचों खूबी अल्लाह ने मुझे अता की। अब इसमें ये गजल मैंने जो हाल ही में लिखी है वो आपको दे देता हूँ। दोस्तों से गिला क्या करे, दोस्तों से गिला क्या करे, दुश्मनों से शिकायत कमाई लूट गई। दुश्मनों से असलम मेरा भाई, मतलब सुनना, हजन तो मेरा सुनते रहती है, तुम सुनना। ताजाबाद में दिए हुए 1000 रुपए की कसम है तुम्हें। गिला क्या करे, दुश्मनों से शिकायत नहीं, जख्म इतने मिले हैं हमें, जख्म इतने मिले हमें, अब किसी से मोहब्बत बाप। मेरे सर ने मुझे कहा है कि
मजीद भाई शेर को दोबारा पढ़ दीजिए मतले को। मैं सर का अत्यंत आभारी हूँ, ऋणी हूँ, उन्होंने शेर पढ़ने के लिए कहा है, फिर मैं दोबारा ये मतले को पढ़ूंगा। आहा, मैंने परवीन जी से शेर सुनाया था, हमें इसमें कुछ सांप भी थे भीड़ में इंसानों की, भेद खुल जाता अगर बीन बजाई होती। मगर फिर दूसरा शायर कहता है, जहर इस माहौल का मुझमें कुछ इतना भर गया। सर, जहर इस माहौल का मुझमें कुछ इतना भर गया, इतना भर गया कि सांप ने सांप, जहर इस माहौल का मुझमें कुछ इतना भर गया कि सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया। क्यों बदनाम करता है दोस्त? घास खाकर दूध देना गाय की आदत तो देख। घास खाकर दूध देना गाय की आदत तो देख, और दूध पीकर जहर उगलना सांप की फितरत तो देख। जानेमन दश्त ने दरिया में बाहें खोल दी, दश्त ने, ऐसा अगर किसी के साथ हुआ होगा तो वो ताली बजा देगा जोर से। दश्त ने दरिया में बाहें खोल दी। तिश्नालब लेकिन बड़े खुद्दार थे,
और इसलिए मैदान से हटना पड़ा कि मेरे लश्कर में कई गद्दार थे। खोल दी तृष्णा लब, लेकिन बड़े खुददार थे, इसलिए मैदान से हटना पड़ा कि मेरे लश्कर में कई गद्दार थे। मोहम्मद भाई कपड़े से बच गया तो मरेगा सिलाई से, कपड़े से बच गया तो मरेगा सिलाई से, मुफलिस का कत्ल होगा निहायत सफाई से। मुफलिस का कत्ल होगा निहायत सफाई से, सफाई से। और मोहम्मद भाई मेहनत की हमको आज तक उजरत न मिल सकी, मुफलिस का कत्ल होगा निहायत सफाई से। हमारी राह में आसानियों का नाम नहीं, हमारी राह में आसानियों का नाम नहीं, ना आए साथ हमारे जो चैन वाले हैं। हमें डराने की कोशिश ना अब करे कोई, यजीदियों से कहो हम हुसैन वाले हैं। हमें डराने की कोशिश ना अब करे कोई, यजीदियों से कहो हम हुसैन वाले हैं। आहा,
टूटे दिलों की आस कहाँ है जो पहले थी, लहजे में वो मिठास कहाँ है जो पहले थी, लहजे में वो मिठास कहाँ है जो पहले थी। आहा हा अशफाक तुम सुनाओ ना अफसाने दर्द के, दुनिया गम शनास कहाँ है जो पहले थी, दुनिया गम शनास कहाँ है जो पहले थी। अब ये शेर देखिएगा, शायद पसंद आ जाए आपको। न जाने कौन सी साजिश में दिन गुजारा गया। सर बहुत पसंद आएगा आपको, और ऑफिस में इसको लिख कर रखिएगा आप, शायद लोगों को सुनाने में आपको भी मजा आ जाएगा। न जाने कौन सी साजिश में दिन गुजारा गया, मैं दुश्मनों से बचा दोस्तों में मारा गया, मैं दुश्मनों से बचा दोस्तों में मारा गया, अब कुछ इस तरह से मेरी जात को निखारा गया, तेरा ख्याल मेरी रूह में उतारा गया, तेरा ख्याल मेरी रूह में उतारा गया। फारूक भाई मुझे उसे खबर है मैं नफरत से मर नहीं सकता, उसे खबर है मैं नफरत से मर नहीं सकता, मोहब्बतों का जहर दे के मुझको मारा गया। तो मतलब में ही काम हो गया यार, अब शेर पढ़ने की नौबत ही नहीं दिख रही है, पैसे इतने आ गए कि हो जाएगा इतने में काम, ये गुजारा हो जाएगा, पैसे अच्छे आ गए, ऐसी कोई बात। एक है बबलू पीछे है लेकिन उसने, हाँ अब हो सकता है ये शेर में उसके भी तरफ से आ जाए। जिंदगी में हमें आज तक कोई अपना मिला ही नहीं, जिंदगी में जिंदगी कोई अपना मिला ही नहीं, जिंदगी हमको अपना मिला ही नहीं। हर कोई मतलबी रहा, हर कोई मतलबी रहा, अब किसी की जरूरत नहीं। सागर में ये तो वो जगह है मेरी कि तुम्हारा प्यार खींच लाता है मुझे। फैयाज भाई ये सब तुम्हारी मोहब्बतें हैं जो आज
ये मोहब्बतों ने मुझे यहाँ लाकर बिठाया, वरना 5 साल से ये इलाका मैंने छोड़ रखा था, ज्यादा हो गए थे बल्कि। मगर मालूम नहीं मेरे भाई को मुझ पर कैसे दया आ गई, तो मेरे भाई ने बोला यार लाओ यार मजीद को लाओ यार, पकड़ के लाओ, कुछ भी करो मगर लाओ। और मैं आ गया, मगर क्या करूं फारूक भैया, नूर ही नूर उनके चेहरों पर, जितने बैठे हैं ना, अगर इनके आंख से आंसू ना निकल जाए इस शेर में तो फिर मेरा गाना बजाना बेकार है। नूर ही नूर उनके चेहरे पर, रहमतों के नुजूल जैसे है, मुफलिसी से झुलस गए वरना मेरे बच्चे भी फूल जैसे है। हर कोई मतलबी हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, फारूक भैया, हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। सियासत नकली नोटों की तरह धोखे से चलती है, सियासत नकली नोटों की तरह धोखे से चलती है, जिसे रहबर समझते हो वो रहजन हो भी सकता है। हर कोई मतलबी रहा। बेटा अपने पास टाइम नहीं, अब शेर सुना दे, क्योंकि मेरे को हज्जन को भी टाइम पूरा लगाना है ये गजल के बाद। ये हाँ, क्या करे यार, गरीब आदमी है यार, मजबूर है यार, मगर इतना याद रखो कि तुम्हारे शहर के महलों में जो उजाले हैं, तुम्हारे शहर के महलों में जो उजाले हैं, किसी गरीब के छीने हुए निवाले हैं, किसी गरीब के छीने हुए निवाले हैं, निवाले हैं। और फारूक भाई सच्चाई, पढ़े लिखों को तो रिक्शा चलाना पड़ता है, पढ़े लिखों को तो रिक्शा चलाना पड़ता है, गवार जितने हैं सब कुर्सियां संभाले हैं। कोई मतलबी मेरे भाई, किस रावण की भुजा काटूं, किस लंका में आग लगाऊं। अरे यार शेर सुन लो यार, फारूक भैया, किस रावण की भुजा काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, अबे इतने राम कहां से लाऊं। अब ये शेर फारूक भैया, तुम इतने अच्छे शेर सुनते हो, और मैं इल्तिजा करूंगा मेरे भाई कि ये शेर को जाया मत हो देने देना, मोहम्मद भाई, फैयाज भैया, फारूक भैया, खुदा की कसम शेर मैंने कैसा कह दिया है, अल्लाह वल्ला आलम बिस सवाब, लेकिन जो आया मैंने कहा, बेहिसी बेबसी और शराब रक्स नखमात की वो बरात,
और शराब रक्स नगमात की वो बरात। ये कबीला उजड़ जाएगा, वो कबीला उजड़ जाएगा, जिसकी कोई कयादत नहीं। वो कबीला उजड़ जाएगा, जिसकी कोई कयादत नहीं। वो कबीला उजड़ जाएगा, जिसकी कोई कयादत नहीं। जानता हूं कि मैं प्रीतमपुर में पढ़ रहा हूं, सुनने वाले चारों तरफ के आए गुरु भाई। और फारूक भैया वो शेर सुनते हैं कि जिनको सुनाने के लिए कव्वाल को 10 बार सोचना पड़ता है, वो सुनने वालों में से है फारूक भाई। अब ये शेर मैंने बड़ी दर्द की गहराइयों से कहा था, वो कबीला उजड़ जाएगा जिसकी कोई कयादत नहीं। जरा सलीम भाई थोड़ा सा इसको मेरे मेन माइक को इस पे उसमें दे दो बेटा, थोड़ा खून में ये हमारी वफा जिंदगी भर रहेगी सदा। खून में ये हमारी वफा जिंदगी भर रहेगी सदा। खून में अच्छे खून में ये हमारी वफा जिंदगी भर
रहेगी सदा। जिसने हमको सताया सदा, जिसने हमको सताया सदा, हमको उससे भी नफरत नहीं। खुश है उसे दे दे के इबादत का फरीब। लोग खुश है उसे दे दे के इबादत का फरीब, मगर वो मगर खूब समझता है खुदा है वो भी, वो मगर खूब समझता है खुदा है वो भी, कोई जन्नत का तालिब है कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है कोई गम से परेशान है। इबादत जरूरत सजदे करती है, इबादत कौन करता है। ये रियाकारी, ये रियाकारी, ये रियाकारी मक्कारिया बन गई है ये बीमारियां। सर झुके और दिल ना झुके, सर झुके और दिल ना झुके, जा वो इबादत इबादत नहीं। रिकॉर्डिंग का कट चाहता हूँ, वो नहीं आया। सर झुके और दिल ना झुके, वो इबादत इबादत नहीं। क्या बात है,
अब हमारा दिल खुश हुआ आप लोगों से, पार्टी आपकी अत्यंत आभारी आहे। आता आम्ही खुश झालो तुमच्यामुळे, तुम्ही चांगले वाजवता आणि मी तुमचा शुक्रगुजार आहो। थोड़ा सा मराठी में मजाक कर लिया इनके साथ में, हाँ नहीं चाल बे, हाँ नहीं चाल बे। अब तू थोड़ा गुजराती, तमारू खूब खूब आभार, हाँ हाँ झाला बीमार। अच्छा जब भी मजे ले रही है चुपचाप गुजरते मुस्कुरा के, यार मजीद बहुत मूड में है और तुम मूड तुम बनाते हो मेरा, ये सुन लो आप। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे तुमको हक है यार, तुम तो इतना हक है तुमको कि मैं खुद यहाँ से पैदल भागूंगा 200 किलोमीटर तुमको इतना हक है, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि जल्दी मैं जाऊँ पहले है। और क्यों तुम मुझे भेजना चाहते थे पहले? नहीं नहीं भाई हो गया बस, यही तो है बस, आपको सुनना है इसके बाद मुझे, कोई सुने या ना सुने। हाँ बिल्कुल, और ये देखना है कि तुम शेर क्या पढ़ते हो, और जरा सा भी मेरे को झोल दिखे तो वहीं आऊंगा स्टेज पे। हाँ अच्छी बात, ओके। अब यार हज्जन ये शेर सुन लो, ये शेर मैंने देखो ये कब कहा था, जब ये फारूक भाई माफी चाहूंगा, ये जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो दोबारा रिजल्ट दिया है बिल्किस का, इससे पहले मैंने ये शेर कहा था, लेकिन अब ये शेर मौजू इसलिए हो गया है कि अभी अदालत ने फैसला अपना बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी मशहूर अभी ये बातें चल रही है, टीवी पर भी चल रही है, सब जगह चल रही है, शायद यहाँ जितने लोग पढ़े लिखे हैं सबको मालूम है। और शेर क्या था? छूट है मुजरिमों को यहाँ, छूट है मुजरिमों को यहाँ, और अदालत भी है बेज़बान। छूट है मुजरिमों को यहाँ, और अदालत भी है बेज़बान। तड़प जाऊंगे, छूट है मुजरिमों को यहाँ, छूट है मुजरिमों को यहाँ, और अदालत भी है बेज़बान। जो गुनाहगार थे छूट गए, जो गुनाहगार थे छूट गए, और हमको जमानत नहीं। आखिरी शेर फारूक भाई पढ़ के इसे खत्म करता हूं मैं। फातिमा के वो नूरे नजर, फातिमा के वो नूरे नजर,
बीबी ज़ैनब के लखते जिगर करबला की जमी पर हुई, करबला की जमी पर हुई, ऐसी कोई शहादत ऐसे तेरी याद सताए, ऐसे तेरी याद सताए, जैसे गेहूं को घुन का जाए, जैसे तेरी याद सताए, जैसे जिस्म जले तो मीनों महके, जिस्म जले तो मीनों महके, दिल जो जले आज मनाए, दिल जो जले तो आज मनाए, दिल जो जले तो आज मनाए, बाबा वो कबीला उजड़ जाएगा, वो कबीला उजड़ जाएगा, जिसकी कोई कयादत नहीं, उजड़ जाएगा, जिसकी कोई कयादत नहीं, उजड़ जाएगा।